ये जो छोटी सी आपको चार दीवारी दिख रही है, इसी के बीच में सैयदुल शुहदा हजरत अमीर हमजा रजी अल्लाह तआला का मज़ार है। सामने कुछ सीढ़ियां दिखाई दे रही हैं, शायद कोई हौज वगैरह है। अभी वहां चलते हैं और देखते हैं क्या है। और यहाँ पर वो शहीद हुए इसी के अंदर, उन साहबा इकराम की। इसे देखकर कि ओहद पहाड़ हमसे मोहब्बत रखता है और हम इससे मोहब्बत करते हैं। माशाल्लाह अजीम शान अंदर से मस्जिद बनी हुई है, बहुत खूबसूरत ये मेहराब है। जाल वगैरह ला रखा है लोगों ने ताकि यहाँ पर लोग आके शिरक और बिदात न करें। बता रहे हैं यहाँ से पत्थर उत्थर और मिट्टी भी उठा के ले जाते हैं लोग। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। इस वक्त मैं ये उहद पहाड़ के पास हूँ जहाँ पर ग़ज़वा उहद हुआ था और मुसलमानों को उस वक्त शिकस्त हुई थी, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि कभी वो हम पर गालिब होंगे और कभी हम उन पर गालिब होंगे। तो उस वक्त सहाबा की बड़ी तादाद में शहीद हुए थे सहाबा इकराम। तो इस वक्त मैं उस जगह पर पहुँच चुका हूँ और मैं ये सबा मसाजिद से यहाँ पर आया हूँ, और हमारे साथ असमत भाई हैं और इन्होंने मुझे यहाँ पर ड्रॉप किया है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है दोस्तों? ठीक हो? तबीयत सब ठीक इनके ठाक? लिए भी दुआ फरमाएं, अल्लाह ताला इनके लिए आफियत के फैसले फरमाएं आमीन आमीन। और बरकत अदा ये फरमाएं। भाई बहुत अच्छे हैं, माशाल्लाह अच्छा व्लॉग बनाते हैं, इनके चैनल को सब्सक्राइब करें। और जज़ाक माशाल्लाह ये भाई बहुत अच्छे हैं, हिंदुस्तान से हैं और जज़ाक इधर जियारत के लिए आए हुए हैं। जज़ाक। मैं तो अक्सर वैसे सराइकी बोलता हूँ लेकिन इधर उर्दू उर्दू में बात कर रहे हैं। माशाल्लाह अच्छा, बहुत अच्छा लगा भाई आपसे मिलकर, बहुत शुक्रिया, अल्लाह जजाक आपको अल्लाह। खुश चलिए रखे। फिर, शुक्रिया, ओके जी शुक्रिया, अल्लाह अफ। हाफिज़। यह है उहद पहाड़। इस पहाड़ के बारे में आता है कि आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इसे देखकर कि ओहद पहाड़ हमसे मोहब्बत रखता है और हम इससे मोहब्बत करते हैं। ये इस हदीस के रावी हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। यहाँ पर एक मस्जिद बनी हुई है और उधर पहाड़ी पर लोग चढ़े हुए हैं। चलिए पहले मस्जिद के अंदर 2 रकात पढ़ लेते हैं। पढ़ लेते मस्जिद का नाम है मस्जिद जामे सैयदुल शुहदा। सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह। एंट्रेंस है मस्जिद का। सलाम अलैकुम। तस्वीर ममनू। यह है मस्जिद का अंदरूनी हिस्सा। माशाल्लाह अजीम व शान अंदर से मस्जिद बनी हुई है, बहुत खूबसूरत ये मेहराब है। मेहराब और मेंबर, झूमर देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत है। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त और आलिशान मस्जिद बनी हुई है। 2 रकात नमाज हम अदा कर लेते हैं, फिर इंशाल्लाह बाहर से दिखाते हैं आपको। यह है जामे सैयद शहदा हजरत अमीर हमजा रजी अल्लाह ताला अन के नाम से मस्जिद तामीर की गई है। और इधर हजरात साहबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन की कब्रें हैं। कब्रों के निशानात तो इन्होंने मिटा दिए हैं बिल्कुल। ज़रूरी हिदायत, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा करते हुए कब्रों की ज़ियारत करना सुन्नत है, लेकिन सिर्फ ज़ियारत कब्र के लिए सफ़र करना जायज़ नहीं। दर्ज ज़ेल 2 मकासद के लिए कब्रों की ज़ियारत का हुक्म दिया गया है। पहला मकसद अहले कुबूर को सलाम अर्ज़ करना और उनके लिए दुआ करना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ियारत के वक्त ये दुआ पढ़ते थे, अस्सलामु अलैकुम अहल दियारी मिन अल मुमिनीन वल मुस्लिमीन व इन्ना इंशा अल्लाह लाहिकून अस्अलुल्लाह लना व लकुम अल आफिया। सलामती हो तुम पर ए मोमिनों और मुसलमानों की बस्ती वालों, हम भी इंशा अल्लाह तुमसे आ मिलने वाले हैं।
हम अपने और तुम्हारे लिए अल्लाह सुबहाना व तआला से आफियत के तलबगार हैं। दूसरा मकसद आखरत को याद करना है, क्योंकि अल्लाह सुबहाना व तआला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने तुम्हें कब्रों की ज़ियारत से मना किया था, अब तुम उनकी ज़ियारत किया करो, इसलिए कि यह आखरत की याद दिलाती है। कब्रों को बरकत के लिए छूना बिदअत और नाजायज़ है और शिर्क के वसाइल में से एक है। तो इन्होंने यहाँ से जो कब्रों के निशानात थे उसको ख़त्म कर दिया। ये जो छोटी सी आपको चार दीवारी दिख रही है, इसी के बीच में सैयदुश्शुहदा हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मज़ार है। उधर कुछ दो तीन कब्रों के निशानात हैं, उधर चलते हैं। इधर कुछ कब्रों के निशानात हैं। थोड़ा और करीब से इस पहाड़ को दिखाता हूँ मैं आपको। सुर्ख रंग के पहाड़ ये यहाँ पर एक मदरसा है, लिखा हुआ है मदरसतु हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब अल इब्तिदाईया, यानी जो शुरू की तालीम होती है, इब्तदाई तालीम जिसे हमारे यहाँ क्या बोलते हैं उसे, नर्सरी वगैरह की है, उससे और थोड़ा सा आगे वो तालीम यहाँ पर दी जाती है, यानी छोटा सा मदरसा है। इस सामने कुछ सीढ़ियाँ दिखाई दे रही हैं, शायद कोई हौज वगैरह है। अभी वहाँ चलते हैं और देखते हैं क्या है। परसों बारिश हुई थी, कल भी बारिश हुई तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा ठंड हुई थी, लेकिन आज तेज़ धूप निकली है तो मौसम बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह। सिर्फ ऐसे चबूतरा बना हुआ है और कुछ नहीं है, दूर से ऐसा लग रहा था जैसे कोई हौज हो। ये मस्जिद है और ये हाथ पहाड़। अभी एक पाकिस्तानी भाई से हमने पूछा कि वो पहाड़ी क्या खासियत रखती है, तो उन्होंने बताया कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग के बाद निकले पहाड़ से मदीने की तरफ, तो वो पहाड़ चलकर उनके पीछे चला, तो वो पहाड़ी उसी में से है। अल्लाह जाने कहाँ तक सही है, हमने तो आज तक खैर नहीं पढ़ा। अल्लाह उम्मत की हिफाजत फरमाए। इस पहाड़ी को जो कि ओहद पहाड़ के, ये ओहद पहाड़ है और उसके बिल्कुल सामने ये पहाड़ी है, इस पहाड़ी का नाम जबल रुमा है। असल जंग से पहले, जंग ओहद से पहले इस पहाड़ी का नाम जबल आइनैन था, लेकिन जंग के बाद इसका नाम फिर जबल रुमा पड़ गया। इस पहाड़ी की तारीख़ यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरीबन 50 सहाबा इकराम को यहाँ पर जमा फरमाया था, और तीर अंदाज थे वो लोग, और उन्हें यह हुक्म दिया था कि वो मुसलमानों को मुशरिकीन के तीर अंदाजों से बचाएं और यहाँ से बैठकर नज़र रखें। फिर उसके बाद जो भी वाक़या हुआ वो हम सबको मालूम है।
कि साहबा को गुमान हुआ कि जंग में हमें फतह हो चुकी है, लिहाजा हुजूर ने तो बस जंग तक ही कहा था हमसे। साहबा इकराम को आप अलैहिस्सलाम ने हिदायत दी थी कि जब तक मैं ना कहूँ यहाँ से मत हटना, लेकिन उन्हें गुमान हुआ कि जंग जो है वो जीत चुके हैं, लिहाजा यहाँ से चलें हम और आगे चल के जो माल माल गनीमत है उसे हासिल करें। वो यहाँ से हटे और फिर हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला ने दूसरी साइड से आकर मुसलमानों को घेरे में ले लिया और सहाबा इकराम शहीद हुए। तो ये वही मकाम है, क्योंकि चलने की ज़्यादा आदत नहीं है तो इसलिए थोड़ा सा चढ़ के भी सांस कांपने लगा। ये वही जगह है। इस मकाम पर सहाबा इकराम को घेरे में लिया गया था और यहाँ पर वो शहीद हुए। इसी के अंदर उन सहाबा इकराम की कब्रें, ज़्यादा ऊंची तो नहीं मगर काफ़ी बड़ी और लंबी पहाड़ी है, देख सकते हैं आप इधर से उधर तक, काफ़ी दूर तक फैली हुई है। इसके पीछे का हिस्सा है, मदीनतुल मुनव्वरा साफ दिख रहा है यहाँ से, माशाल्लाह दूर दूर तक नज़ारा कर सकती। मस्जिद नबवी की भी यहाँ से मीनारें दिखाई दे रही हैं। ये दो मीनारें जो दिखाई दे रही हैं आपको इस जगह, और इसी तरफ दो मीनारें और दिखाई दे रही हैं। ये मस्जिद नबवी के मीनारे, खजूर के बागात दिखे। और यह है जबल अहद, ये बीच का वही मकाम है जहां पर सहाबा इकराम को घेरे में ले लिया गया था। इसी गज़वे के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदाने मुबारक शहीद हुए थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी थे, वो हाथ उठाकर दुआ करते अल्लाह ताला से, हर चीज़ जो है वो उनके दुआ पर उसी तरीके से हो जाती जैसे वो चाहते थे। लेकिन उन्होंने उम्मत को ये सबक दिया कि हमें सबसे पहले असबाब इख्तियार करने चाहिए, फिर अल्लाह सुबहाना व ताला से दुआ करनी चाहिए, लो लगानी चाहिए और वो चीज़ हासिल करनी चाहिए जो हमें हासिल करनी है, यानी अल्लाह की रज़ा। वरना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या ज़रूरत थी मदीने से यहाँ पर आकर जंग करने की। दुआ करते मुशरिकीन वैसे ही हलाक हो जाते। लेकिन आज कुछ लोग इस गलत फहमी में रहते हैं कि बस दुआ करो और दुआ से सब कुछ बदल जाएगा, असबाब कुछ इख्तियार मत करो। अल्लाह तबारक व ताला हम सबको दीन को सही तौर पर समझने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ये हमें शाह आलम साहब मिले हैं यहाँ पर मदीनतुल मुनव्वरा में टैक्सी चलाते हैं। इन्होंने हमें बताया कि मैं आपको और चीज़ें दिखाता हूँ, तो ये हमें लेके आए हैं इस जगह पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदाने मुबारक शहीद हुए थे। ये वही जगह है, चूँकि यहाँ पर ये हमारे इंडिया पाकिस्तानी जो आते हैं वो चूमा चाटी करते हैं उसे, हाँ, और पत्थर उत्थर उठा के लेके जाते हैं और नाम वाम भी लिखते हैं, तो इसलिए लोगों ने ये जगह जो है वो बंद कर दी। ये मस्जिद उहद है जहाँ पर आप अलैहिस्सलाम ने उहद की जंग ख़त्म होने के बाद नमाज अदा की थी। जाल वगैरह लगा रखा है इन लोगों ने ताकि यहाँ पर लोग आके शिर्क और बिदात ना करें। बता रहे हैं यहाँ से पत्थर उत्थर और मिट्टी भी उठा के ले जाते हैं लोग।
वो ये वो सारे मकामात जो हैं वो जो देखा है उसके ना, फोटो बना रखे हैं वो जो हुकूमत वो है जिला जंग है, उसका नाम जंगल रोमा, हाँ वो बहुत ही है। हाँ तो ये थी जबल उहद और जबल रुमा की और जामे सैयदुश्शुहदा की ज़्यारत पूरी हो चुकी है और अब हम असर का वक्त होने वाला है तो मस्जिद नबी की तरफ जाएंगे। आप तमाम हज़रात से दुआ की दरख्वास्त है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि जो लोग यहाँ पर नहीं आ चुके हैं, नहीं आ सके हैं, उन लोगों को भी ये सारी चीज़ें दिखाई और उन लोगों के दिलों में आने का और जज्बा पैदा हो। अल्लाह सुबहाना व ताला हर किसी को हरमैन की ज़्यारत नसीब फरमाए और हज और उमरा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िरी देने की तौफीक अता फरमाए, उसके असबाब पैदा फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।